वेलकम टू एवरीवन। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं इंटीग्रल डोमेन, मीन्स हमारा पेपर 10 जो है सेमेस्टर 4 के लिए, उसमें चैप्टर 2 है इंटीग्रल डोमेन। ठीक है, एक बहुत छोटा चैप्टर है, इससे एक ही क्वेश्चन आती है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जो पिछले ईयर से पूछा गया। तो अगर पूछेगा तो वही क्वेश्चन पूछेगा, नहीं तो फिर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, डायरेक्टली डिफिनेशन पूछेंगे। ठीक है, तो इसकी एक दो लेक्चर में ही हो जाएगा कम्प्लीट। ये बहुत छोटा चैप्टर है, तो सबसे पहले हमें जाननी होगी कि रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर क्या होता है। ठीक है, रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर पता चल जाएगा तो हमें इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन पता चल जाएगी। इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन भी आती है एग्जाम में। ठीक है, तो रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर सबसे पहले हमें सीखना होगा, और इससे पहले एक चैप्टर हम करवा चुके हैं। ठीक, अगर आप लोग नहीं किए हैं तो प्लीज उस चैप्टर को जाके कीजिए, बहुत ईजी चैप्टर है रिंग। ठीक है, उसे जाके कीजिए, पूरा कंप्लीट हम उसको करवा चुके हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे करवा चुके हैं। ठीक है, रही बात मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। आप लोग से बस एक ही चीज़ तो मांग रहे हैं, शेयर। ठीक है, वीडियो को शेयर कर दीजिए जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। चलिए इसका देखते हैं एक्चुअली में डिफिनेशन क्या है रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर की। ठीक है, डिफिनेशन तो क्या होता है कि रिंग तो पता है ना कि रिंग किसे बोलते हैं, इतनी प्रॉपर्टी सारी सेटिस्फाई करती है तब जाके हमारी रिंग कहलाती है। ठीक है, तो रिंग जो होती है रिंग में ही हमारी आ जाती है विदाउट जीरो डिवाइजर। कब होगी तो देखिए, और रिंग आर, आर को हम लोग रिंग बोलेंगे। ठीक है, इज सेड टू बी, इज सेड टू बी क्या बोलते हैं कि आर को एक रिंग है, उसे हम क्या बोल रहे हैं कि बी और रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर, रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। यहाँ से लिखे जीरो डिवाइजर, डिवाइजर बोल रहे हैं। ठीक है, रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर बोल रहे हैं, कब बोल रहे हैं, कंडीशन इसके पीछे है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नन जीरो, दो नन जीरो एलिमेंट हैं, टू नन जीरो एलिमेंट इन आर इज जीरो हो जाता है। दो नन जीरो एलिमेंट अगर हम वो दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, उसका रिजल्ट अगर जीरो आता है, ठीक है, और वो हमारा आर में बिलोंग कर रहा है, मीन्स हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर हो जाएगी। ठीक है, समझ में आए, जैसे दैट इज इफ क्या है कि ए बी दो हमारा एलिमेंट है, दोनों का हम मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, रिजल्ट हमारा क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। ठीक है, मे भी हो सकता है कि ए जीरो हो, मे भी हो सकता है कि बी जीरो हो, है ना, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो जीरो आएगा। मतलब क्या हुआ कि मे भी हो सकता है कि जीरो मल्टीप्लाई विथ बी, या फिर बी मल्टीप्लाई विथ बी मल्टीप्लाई विथ ए, मतलब ये जीरो मल्टीप्लाई विथ ए या जीरो मल्टीप्लाई विथ बी, रिजल्ट क्या आएगा हमारा, जीरो ही आएगा। ठीक है, तो दिस इज रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। ठीक है, और इसका एक एग्जांपल ले लें, एग्जांपल भी ले लीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा, एक एग्जांपल ले लेते हैं, द रिंग आर ऑफ, द रिंग जो है वो आर ऑफ इंटीग्रल, सॉरी इंटीजर्स, इंटीजर्स आई, ये इंटीजर्स आई है। ठीक है, द रिंग आर ऑफ इंटीजर आई इज अ रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर, रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। जीरो डिवाइजर है ये, ठीक है, मतलब इंटीजर आई जो है ना, और ये हमारा रिंग में अगर कंसीडर हो जाती है, रिंग में आ जाती है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, विदाउट जीरो डिवाइजर कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारी होती है विदाउट जीरो डिवाइजर, मीन्स दो हमारे नन जीरो एलिमेंट, ए बी जो है वो नन जीरो एलिमेंट है, इसके कुछ कुछ वैल्यूज होगी, और दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, रिजल्ट हमारा जीरो आता है, तो वो हमारा रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर कहलाता है। ठीक है, अब आती है बात, देखिए इंटीग्रल डोमेन की, इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन क्या होती है, हम इसे इरेज कर रहे हैं। ओके, इंटीग्रल डोमेन हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, अ रिंग इज कॉल्ड, रिंग को बोल रहे हैं क्या, called an integral domain, if कब बोलेंगे, it is क्या होगा,
कि इफ इट इज हमारा कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। नंबर वन क्या है कि कॉम्यूटेटिव, एक्चुअली में ना इज यहाँ नहीं लिखना चाहिए था, इज यहाँ लिखना चाहिए था। डोमेन इफ इट इज कॉम्यूटेटिव होगा, चलो मैं यहाँ लिखी इज, ठीक है, हम इरेज कर इसको, इज कॉम्यूटेटिव। सेकेंड वन हमारी आती है हैज यूनिट एलिमेंट, यूनिट एलिमेंट पता है ना, वन यूनिट जो होती है वो वन होती है, तो यूनिट एलिमेंट, ठीक है। एंड देन थर्ड वन जो हमारी है वो क्या है, इज विदाउट जीरो डिवाइजर, इसीलिए करवाए थे विदाउट जीरो डिवाइजर्स हो जाएगी, तो इसे बोलते हैं इंटीग्रल डोमेन। मीन्स हमारा क्या है कि आर को ही, रिंग को ही हम लोग इंटीग्रल डोमेन बोलेंगे जब ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगी, कॉम्यूटेटिव सेटिस्फाई करेगी, हैज यूनिट एलिमेंट सेटिस्फाई करेगी एंड इज विदाउट जीरो डिवाइजर सेटिस्फाई कर जाएगी, ठीक है। और इसकी एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप लोग, एग्जाम्पल लिखिए द रिंग, रिंग ऑफ इंटीजर क्या है, इंटीजर को हम लोग आई से डिनोशन करते हैं, तो द रिंग ऑफ इंटीजर आई इज एन इंटीग्रल डोमेन, इंटीग्रल डोमेन। और ये हमारा विदाउट जीरो डिवाइजर भी था तो इंटीग्रल डोमेन भी होगा, क्योंकि उसमें विदाउट जीरो डिवाइजर कर रहा था ना सेटिस्फाई, और यूनिटी एलिमेंट भी होगा रिंग, ठीक है, तो रिंग विथ यूनिटी एलिमेंट यूनिट भी होगा एंड एक कॉम्यूटेटिव तो होगा ही, क्योंकि वो हमारा रिंग है, ठीक है, इंटीजर को रिंग हम लोग कंसिडर किए तो कॉम्यूटेटिव तो होगा ही, बट उसके साथ यूनिटी भी होगा, सेटिस्फाई करेगा एंड विदाउट जीरो डिवाइजर भी, तो तीनों सेटिस्फाई जैसे ही कर जाता है, रिंग की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है, तो दिस इज कॉल्ड इंटीग्रल डोमेन। ओके, तो उम्मीद है कि समझ में आ गया हो कि इंटीग्रल डोमेन है क्या, है ना, इंटीग्रल डोमेन किस प्रॉपर्टी क्या है एक्चुअली में, ठीक है। अब थोड़ा सा एक और देख लेते हैं, फील्ड क्या है, देखिए, ठीक है, इसमें ही फील्ड क्या है देख लेते हैं, तभी जाके इससे रिलेटेड एक थ्योरम है वो प्रूफ होगा। तो फील्ड पता है, पहले तो रिंग देखिए, उसके बाद फील्ड, यहाँ पे हम इरेज कर रहे हैं, ओके, रिंग पहले अच्छा से पता है ना, बस उसी में थोड़ा सा कुछ और एडिंग हो जाता है प्रॉपर्टीज, वो हमारा फील्ड कहलाने लगता है, ठीक है। तो फील्ड, रिंग की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी, उसके अलावा कुछ और प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाएगी, दिस इज कॉल्ड फील्ड, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन लिखिए, और रिंग आर विथ एटलीस्ट टू एलिमेंट, इट्स कॉल्ड अ फील्ड इफ इट क्या है, नंबर वन इज कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव हो, सेकेंड वन हैज यूनिटी एलिमेंट हो एंड थर्ड वन, इसमें भी तीन चीज ही है, क्या है, इज सच दैट नॉन जीरो एलिमेंट पोजेस मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, ठीक है, नॉन जीरो एलिमेंट, ईच नॉन जीरो एलिमेंट बोल सकते हैं, ईच नॉन जीरो एलिमेंट पोजेस मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, इनवर्स, दिस इज कॉल्ड फील्ड, ठीक है। तो हमारी फील्ड में आ जाती है, इधर नहीं दिख रहा है क्या, इधर मल्टीप्लीकेटिव लिखा हुआ है, ठीक है, मल्टीप्लीकेटिव, ओके, दिस इज, तो इट सेज दैट इच नॉन जीरो एलिमेंट पोजेस मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स वो पोजेस कर रहा है, देन दिस इज कॉल्ड फील्ड, मतलब ये तीन एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाती है और रिंग रहती है, तो रिंग की सारी प्रॉपर्टी है और तीन एक्स्ट्रा, दिस इज कॉल्ड फील्ड। और वहाँ पे इंटीग्रल डोमेन में रिंग थी और तीन प्रॉपर्टी वहाँ पे भी थी, वो एक्स्ट्रा सेटिस्फाई कर रही थी, दिस इज इंटीग्रल डोमेन, ठीक है। तो ये तीन डिफिनेशन थे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, तीन में से दो ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, इंटीग्रल डोमेन एंड फील्ड के डिफिनेशन, ठीक है। अब हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट में देखेंगे, क्वेश्चन नहीं है वो थ्योरम ही है, तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।